नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। दोस्तों, विंडोज़ 11 के अंदर कितनी GB रैम होनी चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए या 16 GB रैम होनी चाहिए, आज इस बार हम बात करेंगे। तो कुछ मैंने पॉइंट नोट कर लिए अपने मोबाइल के अंदर। तो अभी आपको पता है कि सेल चल रही है, BBT सेल जो दिवाली को आती है, उसके अंदर मैंने कुछ लोगों ने बोला भाई हमको लैपटॉप लेना है, तो कोई अच्छा लैपटॉप सर्च कर। तो जब मैं लैपटॉप सर्च करने निकला तो अधिकतर लैपटॉप में 8 GB रैम का ऑप्शन दे रखा है, और जो महंगे लैपटॉप है ना 40,000 से 50,000 के बीच में, उनके अंदर 16 GB का ऑप्शन दे रखा है। और कुछ लैपटॉप तो ऐसे हैं जिसके अंदर 8 GB ही रैम लग सकती है, आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते हो। तो उसको देखकर भाई मैंने बहुत चिंता हुई कि भाई 8 GB रैम क्या विंडोज़ 11 के लिए काफ़ी है या 16 GB रैम होनी चाहिए। तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं विंडोज़ 11 से बात करूंगा कि विंडोज़ 11 के अंदर कितनी GB रैम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं 8 GB रैम की, क्योंकि मैंने 8 GB रैम भी चला रखी है, 4 GB रैम भी चला रखी है, 16 GB रैम चला रहा हूँ। तो 8 GB रैम एक दिन मैंने अपने कंप्यूटर ने चला के देखी तो मेरा कंप्यूटर कर रहा था लेग, जबकि मैं सिंपल काम कर रहा था। क्योंकि जब आप विंडोज़ 11 के अंदर 8 GB रैम डालते हो ना, तो 4 GB रैम आपका सिस्टम ले लेता है, ठीक है। वो सीधा सिस्टम ले लेगा 4 GB, उसको चलाने के लिए 4 GB रैम चाहिए चाहिए, उसके बाद बचा 4 GB। 4 GB में अगर आप एज ब्राउज़र ओपन करते तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करते तो, और उसके 10 टैब ओपन कर लेते वो 2 GB ले लेगा, ठीक है। उसके लिए आपने एक दो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है तो रैम पूरी हो जाती, ख़त्म। फिर आपको PC करने लगता है लेग, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आपको, एकदम आपको महसूस होने लगता है कि भाई लेग कैसे हो रहा है। तो ये है दोस्तों 8 GB का खेल, यानी 8 GB के अंदर आप कंप्यूटर चला तो सकते हो लेकिन बेसिक काम कर सकते हो, जैसे ब्राउजिंग कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, ईमेल वगैरह भेज सकते हो, और इसके अलावा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चला सकते हो। लेकिन आप बहुत सारा टैब ओपन कर ले तो एज के अंदर आप बहुत सारे रिसर्च कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है बैकग्राउंड में, तो फिर आपको लेग दिखेगा, ये मेरा सीधा सीधा अनुभव रहा है। अब बात करते हैं 16 GB रैम की। अगर आप 16 GB रैम लगा लेते हो ना, तो अब कंप्यूटर मतलब खुल के सांस लेता है, उसको जितना चाहिए ना आराम से लेता, अपना समझ के लेता है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है तो वो कहाँ लोड होता है, वो रैम के अंदर लोड होता है, ठीक है। आपने ब्राउज़र भी ज़्यादा ओपन कर लिए, 30 ब्राउज़र ओपन कर लिए, जैसे मेरे जैसे बंदे हो बहुत सारे वेबसाइट रिसर्च कर रहे हो, तो 30 बंदे ब्राउज़र ओपन कर लिए चलेगा, पीछे वीडियो एडिटिंग भी हो रही है और तो भी आपका ये संभाल देगा। तो 16 GB रैम आपको गेमिंग, आपकी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, ये सब कुछ संभाल लेता, बैकग्राउंड बहुत सारा सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, जिसमें PUBG PC खेलता हूँ वो 11 GB रैम का टक लेता है, 8 GB रैम चलाता तब भी 8 GB में भी चल जाता था, और 11 GB लेता तो वो जितनी उसकी जरूरत होती है ना वो जितनी ले लेता है, तो इससे फटाफट जितनी लोडिंग वो रैम के अंदर लोडिंग रख लेता है। तो 16 GB रैम का दोस्तों ये फ़ायदा है कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल लैग फ्री चलता है, यानी कि आप गेमिंग भी करोगे सब काम आपका 16 GB रैम संभाल देता है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हो जो केवल 8 GB ही आ रही है, लेकिन अगर आप उसमें बाद में अपग्रेड कर सकते हो तो 16 GB अपग्रेड कर लीजिए। लेकिन ऐसा लैपटॉप गलती से मत लीजिए जिसके अंदर 8 GB है और अपग्रेड नहीं कर सके, क्योंकि मैंने अभी हाल ही दिनों में HP के ऐसे लैपटॉप देखे जिसके अंदर 8 GB फिक्स कर दिया, भाई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दे रहे, तो ऐसे लैपटॉप को मत लीजिए। क्योंकि रैम एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, उसे ज़्यादा महंगी नहीं आती लेकिन आपको परफॉर्मेंस दिखाई देता है, PC लैग फ्री हो जाता है। तो कोशिश करिए कि कम से कम कंप्यूटर में 16 GB रैम हो, और अगर आपका बजट हो तो डायरेक्ट 16 GB लगा दीजिए। बहुत सारे लोग 32 GB भी लगा देते हैं, लेकिन 16 GB मेरा ऐसा मानना है आपके लिए सब काम कर देगा और कंप्यूटर लैग फ्री बना देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट समझिए, इसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।